अरुण गोविल ने रामायण में राम का किरदार ऐसा निभाया कि वो लोगों के दिल में सीधे उतर गए। हर कोई उन्हें राम की तरह ही देखता है और घरों में उनकी तस्वीर को राम की तरह पूजा भी जाता है। और इसकी बानगी महाराष्ट्र में एयरपोर्ट पर देखने को भी मिली, जब एक महिला उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर गई और दंडवत होकर प्रणाम करने लगी। ऐसी आस्था देखकर हर कोई बस इसी की चर्चा कर रहा है कि कैसे अरुण गोविल को रामायण के 35 साल बाद भी लोग दिल में बसाकर रखे। दरअसल अरुण गोविल महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रामलीला के आयोजन के मौके पर पहुंचे थे। जब वो एयरपोर्ट से गुजर रहे थे तो एक महिला ने उन्हें देखा और वो भाव विभोर हो गई। टीवी पर अभिनेता को उन्होंने राम के किरदार में देखा था और उन्हें राम समझकर देखते ही वो पैरों में गिर गए। आस्था इतनी गहरी कि आंखों में आंसू भी आ गए। अरुण गोविल ने महिला से उठने का अनुरोध किया, उसके बाद दोनों ने साथ में तस्वीर भी खिंचाई। अब राम मिले और जब तस्वीर खिंचाई गई तो ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। वैसे अरुण गोविल के साथ कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई वाकया उनके साथ हो चुके हैं। रामायण में राम का किरदार निभाने के बाद लोग उनमें राम की ही छवि देखते हैं। कई घरों में उनकी और दीपिका की, यानी कि प्रभु राम और सीता के रूप में उनकी और दीपिका की आरती भी उतारी जाती है, पूजा भी की जाती है, उनके सामने दीपक भी जलाए जाते हैं। तमाम किस्से इससे जुड़े हुए हैं, जिसे अरुण गोविल ने एक प्रोग्राम में सुनाया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि ये सीरियल करने के बाद किस हद तक उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि कई सारे ऐसे किरदार हैं जो बताते हैं कि रामायण करते वक्त उन्होंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया था। इसके साथ ही जो बुरी लत थी वो सारी लत उनकी छूट गई थी। अब ऐसा ही एक किस्सा सुनाते हुए अरुण गोविल ये बताते हैं कि रामायण के बाद वो दक्षिण भारतीय फिल्म में काम कर रहे थे। शूटिंग मद्रास में चल रही थी और उन दिनों अरुण गोविल सिगरेट पीते थे। लंच के बाद उन्हें सिगरेट पीने की तलब लगी। जब वो सेट के पीछे गए और सिगरेट पीने लगे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और वो खूब खरी खोटी सुनाने लगा। उसकी भाषा तो अरुण गोविल को नहीं समझ में आई, लेकिन वो ये समझ गए कि ये व्यक्ति उन्हें कुछ न कुछ तो बुरा बोल ही रहा है। उसके बाद उन्होंने किसी व्यक्ति को बुलाया और ये समझने की कोशिश की कि वो आदमी कहना क्या चाहता है। इसके बाद अरुण गोविल को ये पता चला कि वो व्यक्ति उनसे नाराज है, क्योंकि वो उनमें राम भगवान को देखता है और सिगरेट पीते देख उसकी भावना को ठेस पहुंची है। वो अपनी भाषा में अरुण गोविल को ये बड़बड़ा रहा था कि वो तो उन्हें भगवान मानता था, लेकिन उन्हें सिगरेट पीते हुए शर्म नहीं आ रही है। उसी दिन से अरुण गोविल ने सिगरेट छोड़ दी। एक बार की बात है, अरुण गोविल मॉरिशस में वेकेशन के लिए पहुंचे थे। वो वहां पर अपने परिवार के साथ गए हुए थे। होटल से रोड क्रॉस करते हुए उनके साथ एक बड़ा वाकया हुआ। इस दौरान 2-3 गाड़ियों ने उन्हें देखकर तेजी से ब्रेक लगा दी। उनमें से कुछ लोग उतरे और अरुण गोविल की तरफ दौड़ पड़े और पास आकर वो सड़क पर ही उनके पैरों में लेट गए। अब अरुण गोविल ये सारे किस्से सुना चुके हैं और बता चुके हैं। अब एक बार फिर से ऐसी ही चीजें देखने को मिली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनने से पहले ही इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, तो राम मंदिर बनने के बाद क्या होगा? जब भव्य राम मंदिर बनेगा, दरवाजे खुलेंगे, तो माहौल क्या होगा? बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।